कॉरस्पिंग एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं किस कंडीशन में इक्वल होते हैं किस कंडीशन में इक्वल नहीं होते हैं काफ़ी लोगों को इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है तो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और इन एंगल्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल डिजिटल ई स्कूल लेट्स स्टार्ट ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंग जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंग ट्रांसवर्सल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो लाइन्स हैं M एंड N. अब इन दोनों लाइन्स को एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया इस लाइन को हम नाम दे देते हैं P. तो ये P क्या है ट्रांसवर्सल क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन्स को M और N को डिस्टिंग पॉइंट्स पे ये पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो जब इस ट्रांसवर्सल ने इन लाइंस को इंटरसेक्ट किया तो अगर आप ध्यान से देखें तो जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो जब लाइन P ने ट्रांसवर्सल P ने लाइन M को इंटरसेक्ट किया तो उस पॉइंट पे आप ध्यान से देखें तो कुछ एंगल फॉर्म्स हो रहे हैं एक ये एंगल एक ये एंगल एक ये एंगल और एक ये और जब पी ने एन को इंटरसेट किया उस पॉइंट पे तो वहां पर भी कुछ एंगल्स फॉर्म हुए हैं एक ये एंगल एक ये एक ये और एक ये इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन एंगल एट तो जब एक ट्रांसवर्सल ने दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया तो एट एंगल्स फॉर्म हुए हैं अब इन एंगल्स में कौन से कॉरस्पोंडिंग एंगल्स हैं कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं कौन से एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो हम आगे देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स हैं एक्सटीरियर मीन बाहर की साइड तो जो एंगल्स बाहर की साइड हैं जो एंगल लाइन लाइन के के बाहर हैं 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 तो तो वो होते एक्सटीरियर एंगल्स एंगल्स तो कौन कौन से हैं जो के बाहर एंगल वन एन एंगल टू एंगल सेवन एंड एंगल एट तो ये चारों क्या होंगे एक्सटीरियर एंगल्स एंगल वन एंगल टू एंगल सेवन एंगल एट तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर मीन

डायरेक्शन में फेस कर रहे हो वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हम क्या करते हैं पहले आप ट्रांसवर्सल की सिर्फ राइट हैंड साइड को देखें लेफ्ट हैंड साइड को मत देखें तो ट्रांसवर्सल की अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो वहां पे चार एंगल्स हैं एंगल टू एंगल थ्री एंगल सिक्स एंगल सेवन अब ये चारों एंगल जो हैं अब इनमें से कौन से एंगल्स हैं जो लाइन की भी सेम साइड पे हैं तो एंगल टू और एंगल सिक्स ये दोनों लाइन की भी सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे है और लाइन की भी सेम साइड पे मतलब ये दोनों ही ऊपर की डायरेक्शन में है। और ये दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में फेस भी कर रहे हैं तो ये दोनों हुए एंगल्स एंगल टू एंड एंगल सिक्स तो हम आगे देखते हैं अब इसी राइट हैंड साइड में दो और एंगल्स हैं एंगल थ्री एंड एंगल सेवन ये भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं लाइन की भी सेम साइड पे हैं दोनों ही नीचे डायरेक्शन में हैं और एक ही डायरेक्शन में फेस भी कर रहे हैं तो ये दोनों भी हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल थ्री एंड एंगल सेवन अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल की लेफ्ट एंड साइड में तो लेफ्ट एंड साइड में भी चार एंगल्स हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लाइन की भी सेम साइड पे हैं तो जैसे एंगल वन और एंगल फाइव ये ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे हैं लाइन की भी सेम साइड पे हैं दोनों ही ऊपर की डायरेक्शन में हैं और एक ही डायरेक्शन में फेस भी कर रहे हैं तो ये दोनों भी हुए एंगल्स एंगल वन एंड एंगल फाइव अब जो एंगल्स बचे हैं एंगल फोर एंड एंगल एट ये भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं लाइन की भी सेम साइड पे हैं दोनों ही नीचे की साइड हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो ये दोनों भी हुए कॉरस्पोंडिंग एंगल्स एंगल फोर एंड एंगल एट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट इंटीरियर मीनस जो अंदर की साइड है तो जो एंगल्स ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजीशन पे भी हो और लाइन के अंदर भी हो उन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं वो है लाइन के अंदर जो एंगल फोर एंगल थ्री एंगल फाइव और एंगल सिक्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे जैसे हम अगर पहला पेयर ले ले एंगल फोर और एंगल सिक्स तो ये दोनों ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजिशन पे भी है और इंटीरियर भी हैं तो ये हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल फोर एंगल सिक्स तो वैसे ही एंगल थ्री और एंगल फाइव भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजीशन पे भी हैं और इंटीरियर भी हैं लाइन के अंदर भी हैं तो अब नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट और एक्सटीरियर मीन्स बाहर जो लाइन के बाहर हैं तो वो होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तो मतलब जो ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजिशन पे भी हों और लाइन के बाहर भी हों तो जैसे सबसे पहला हम पेयर ले लेते हैं एंगल वन एंगल सेवन तो ये एंगल वन और एंगल सेवन जो है ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजिशन पे भी है और लाइन के बाहर भी हैं तो ये फर्स्ट पेयर हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंगल वन एंगल सेवन और नेक्स्ट पेयर कौन सा हुआ एंगल टू और एंगल एट क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजिशन पे है और बाहर की साइड है तो ये पेयर भी हुआ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंगल टू एंगल एट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल तो इंटीरियर एंगल कौन से एंगल्स होते हैं जो लाइन के अंदर हो जो अंदर की साइड हो तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं एंगल फोर एंगल थ्री एंगल फाइव और एंगल सिक्स अब हम देखेंगे जो ट्रांसवर्सल सेम साइड पे हो तो जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट पेयर एंगल फोर और एंगल फाइव ये दोनों इंटीरियर एंगल्स भी है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे भी है तो एंगल फोर एंड एंगल फाइव तो वैसे ही नेक्स्ट फेयर बन जाएगा एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल्स है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे भी है तो एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें तो अभी तक हमने देखा जब एक ट्रांसवर्सल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं बट हमने जो लाइन ली है एम और एन अगर इन्हें हम एक्सटेंड करें तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये मीट कर जाएंगी तो क्या होगा जब ये लाइन्स पैर हो तो अगर कोई ट्रांसवर्सर पैर लाइन्स को जब इंटरसेक्ट करती है तब क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम आगे देखते हैं पैलर लाइन्स पहले हम ये देखते हैं कि पैर लाइन्स होती क्या है टू लाइन्स इन द सेम प्लेन दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट जब दो लाइन्स सेम प्लेन में हो और इक्वल डिस्टेंस पे भी हो और एक दूसरे को मीट ना करें उन्हें हम बोलते हैं पैरल लाइन हम जितना चाहे उन को को एक्सटेंड कर दें वो किसी पॉइंट पे भी एक दूसरे मीट नहीं करेंगी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां लाइन ली ए बी और यहाँ पे एक लाइन ली पी क्यू अब ये ए बी और पी क्यू जो है पैरल लाइन्स है इन दोनों को हम जितना चाहे एक्सटेंड कर दें ये किसी पॉइंट पे भी मीट नहीं करेंगी इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल रहेगा और पैलर लाइन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से जैसे मैंने इन लाइन्स को रिप्रेजेंट किया है ए बी दो स्टैंडिंग लाइन्स बनाते हैं पी क्यू अब जब एक ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करती है तब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैर लाइन तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है हमने दो पैर लाइन्स ली हैं एम और एन और उसे एक ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट कर रही है तो एट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो उन एंगल्स को हमने नाम दे रखा है तो जब एक ट्रांसवर्सल पैल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं द कॉरोसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेट करती है पैलर लाइन को तो अब कॉरॅसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जो एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे भी हो लाइन की भी सेम साइड पे हो और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हो तो जैसे अगर हम इस ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं राइट हैंड साइड को नहीं हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में चार एंगल्स हैं एंगल वन एंगल फोर एंगल फाइव और एंगल एट तो अब हम वो एंगल्स देखेंगे जो लाइन की साइड पे हो तो जैसे हमने एंगल लिया एंगल वन और एंगल फाइव ये दोनों लाइन की भी सेम साइड पे हैं ऊपर की डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में फेस भी कर रहे हैं तो ये हुए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एंगल वन इक्वल्स टू एंगल फाइव जो मेजरमेंट एंगल वन का होगा वही मेजरमेंट एंगल फाइव का भी होगा सपोज अगर एंगल वन वन फोर्टी डिग्री है तो एंगल फाइव भी वन फोर्टी डिग्री होगा तो वैसे ही एंगल फोर और एंगल एट ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे भी हैं लाइन की भी सेम साइड पे हैं, दोनों ही नीचे की डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये कॉरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करती है पैरल लाइन्स को तो एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट तो अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड में वहां पे कौन से कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स हैं सबसे पहले हम लेते हैं एंगल टू और एंगल सिक्स ही ऊपर की डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में फेस भी कर रहे हैं तो ये दोनों कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स हैं और तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स तो वैसे ही एंगल थ्री और एंगल सेवन ये भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं लाइन के भी सेम साइड में है तो ये कॉस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे एंगल थ्री टू एंगल सेवन क्योंकि इन्हें भी एक ट्रांसवर्सल जो है को इंटरसेक्ट करती है तो कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल तो जब एक ट्रांसवर्सल पैरल लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच के जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स हुए जो ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजीशन पे भी हो और लाइन के अंदर भी हो तो वो एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे तो जैसे हम फर्स्ट पेयर ले लेते ले हैं एंगल फोर और एंगल सिक्स ये दोनों क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजिशन पे भी है और लाइन के अंदर भी है तो एंगल फोर और एंगल सिक्स इक्वल होंगे जो मेजरमेंट एंगल फोर का होगा वही एंगल सिक्स का भी होगा तो वैसे ही एंगल थ्री और एंगल फाइव ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजीशन पे भी है और लाइन के अंदर भी है तो एंगल थ्री एंगल फाइव प्रॉपर्टी क्या है द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल तो जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं जब कोई ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे जो ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट पोजिशन पे तो हो बट लाइन के बाहर हो क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं जो बाहर की साइड हो तो फर्स्ट फेयर हम ले लेते हैं एंगल वन और एंगल सेवन ये हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एंगल वन इक्वल्स टू एंगल सेवन वैसे ही एंगल टू इक्वल्स टू एंगल एट क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं लास्ट प्रॉपर्टी क्या है पैरल लाइंस की द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री जो इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं सप्लीमेंट्री मीन्स जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो जो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है पैरल लाइंस को तो इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स हुए जो एंगल्स अंदर की साइड है लाइन के अंदर है तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं एंगल फोर एंगल थ्री एंगल फाइव एंगल सिक्स तो अब हम वो एंगल्स देखेंगे जो ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे हैं तो जैसे हम फर्स्ट पेयर ले लेते ले हैं एंगल फोर और एंगल सिक्स तो इनका सम जो हो होगा वो वन एटी डिग्री होगा एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इक्वल्स टू वन एटी डिग्री सपोज अगर एंगल फोर वन फोर्टी डिग्री है तो एंगल फाइव फोर्टी डिग्री होगा तो वैसे ही एंगल थ्री और एंगल सिक्स ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा तो एंगल थ्री प्लस एंगल टू डिग्री तो जब कोई ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे उनका सम हमेशा वन डिग्री होता है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इन एंगल्स के बारे में बट स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें